पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हम सीधा सचिवालय जा रहे हैं आज। वो आज इंक्वायरी बैठने वाली है। तुम ठीक तो हो ना काव्या? सच बताएं, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आज आप लोग एक आखिरी बार आईएएस काव्या बंसल को देख रहे हैं। अरे नहीं, हमारा बच्चा ऐसे अशुभ बातें नहीं करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, देखना। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब अच्छा होगा। हाँ अच्छा, बस इसी बात से परेशान हो ना बच्चा, कोई और बात तो नहीं है ना? और क्या बात होगी? नहीं कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि गलतियां दोहराने की बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बहुत तकलीफ होती है बेटा। पापा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम तो बस एक बात कह रहे थे बच्चा, अब इस विक्की को देखो, इलेक्शन लड़ने जा रहा है लेकिन खुद को अभी भी टैक्सी ड्राइवर समझता है। भाई सोच बदलोगे तो आगे बढ़ोगे ना, लेकिन लगता है गधा का गधा ही रहेगा। अंकल जब सुबह सुबह से तारीफ करोगे तो मेरी तो डेथ ही हो जाएगी। अच्छा वैसे तो माँ क्यों गए, हम खुद चले जाते हैं। मैडम एक बार कमिटमेंट कर दी तो हाँ, ठीक है ठीक है, फिल्मी लाइन में मत मारो प्लीज। अपना तो ऐसे ही है। तो क्या करोगे तुम, मिनिस्टर बनने के बाद भी गाड़ी में ही घुमाते रहोगे? बिल्कुल। हाँ चलते पापा, बाय मम्मा। सब अच्छा होगा। हाँ माफी मांग ली उसने? तुम्हें कैसे पता? गधा ही सही लेकिन आपका चेहरा पढ़ लेता हूँ। माफ कर दिया आपने। हेलो जी, आप विक्की की बेबे बोल रही हैं ना? हाँ जी। हम राजीव बंसल बोल रहे हैं, काव्या के पापा। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल जी। वो दरअसल हम आपको आज चाय पे घर बुलाना चाहते हैं शाम को। अच्छा की गल, कोई खास बात? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो विक्की ने कोई स्यापा तो नहीं पा दिया ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम काव्या और विक्की के रिश्ते की बात करना चाहते हैं आपसे। तो पूरी परिस्थितियों के समझने और बारीकी से छानबीन करने के बाद इस कमेटी का ये मानना है कि हालांकि आईएएस काव्या बंसल ने गोली अपने बचाव के लिए चलाई थी, मगर एक सरकारी ऑफिसर की पिस्तौल अपने हाथ में लेना और उसका इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए करना नियम का उल्लंघन है। इस कारण ये कमेटी अंडर सेक्रेटरी काव्या बंसल को पद से न हटाते हुए केवल चेतावनी दे रही है, आइंदा कोई भी नियम उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच। लो हम आ गए। हमारे मुंह पे हमारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। वो क्या है ना, एक औरत ही एक औरत की तकलीफ समझ सकती है, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा के हमने तुम्हारी छुट्टी मंजूर करा दी। अब जाओ, जितने दिन के लिए जाना है छुट्टी पर
जितने महीने के लिए जाना उतने महीने के लिए जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। आप तो यही चाहती है ना कि हम छुट्टी पे चले जाएं, और जाए तो क्या दोबारा वापस आए भी ना। कैसी बातें कर रही हो काव्या, इतनी सिफारिश लगाकर हमने तुम्हारी छुट्टी मंजूर कराई, अपने पीए को लगा कर रखा और तुम होगी। हाँ आपके पीए वो तो आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी होंगे ना, मतलब गुंडों से बदमाशों से छुप छुप के मिलना पड़ा होगा। वो क्या है ना, हमारी नजरें और हमारा दिमाग दोनों ही बहुत तेज है, हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं जो पूरा मामला है इसके पीछे कोई औरत का हाथ तो नहीं, जो अब बस किसी तरह से हमें रास्ते से हटाना चाहती। इल्जाम लगा रही हो हम पे, जानती हो ना सीएम से बात कर रही हो, हमारे एक इशारे आपके एक इशारे पर एक गर्भवती औरत को नकली दवा देकर उसके बच्चे की जान ली जा सकती है। अपनी बकवास बंद करो काव्या बंसल। मैं कहूँ मैडम, प्रेस वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज तो मान गए हूँ, आज वाकई एक औरत ने दूसरी औरत की मदद की है। थैंक यू, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमने आईएएस किया ही क्यों था, कि हमें अपनी नौकरी से इतना प्यार क्यों था, क्योंकि तुम जैसे दुष्ट और भ्रष्ट लोगों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि तुम जैसे विनाशकारी तत्वों के होते कोई औरत कोई समाज सुरक्षित नहीं है, इन्हें जड़ से निकाले बिना एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हम आईएएस काव्या बंसल एक बार फिर ये शपथ लेते हैं कि अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य पे अटल रहेंगे, अपने पद से कभी नहीं हटेंगे। क्या बात है मैडम, तो बिल्कुल हीरोइन बन के आई है। हीरोइन बनी नहीं है, हीरोइन है वो जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बेहतर बनाती है। हर उस साधारण इंसान की हीरोइन जो कुछ असाधारण करने का ख्वाब देखता है, हर उस कमजोर की हीरोइन जो खुद के लिए लड़ नहीं सकता, हर उस बेजुबान की हीरोइन जो अपने लिए बोल नहीं सकता, असली हीरोइन है ये। बॉस मेरी स्पीच भी आप ही लिख देना, आप ही को रा दूंगा इलेक्शन में। होगा खुलासा, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले सच को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैम वो तीन आदमी जिन्होंने वार्ड बॉय पर हमला किया था, वो तीनों पुलिस स्टेशन से जेल पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ही उन तीनों का एनकाउंटर कर दिया गया शायद। देखिए वो पुलिस की कार्रवाई है, हम उसमें कोई भी उत्तर नहीं दे सकते, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि हमें अपने कानून पे और कानून के रक्षकों पे पूरा भरोसा है। मैडम आप ये बात कैसे कह सकती हैं जबकि आप कितनी बार गलत इल्जामों का शिकार बनी हैं? देखिए साजिश करने वाले कोशिश करते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे, ये जानते हुए कि सच हमारे साथ है। आपको डर नहीं लगता मैम कि इसके पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ है जो आपको अपनी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा है? किसी ने एक बार कहा था कि हर करोड़पति एक पैसे से शुरू करता है और हर भिखारी भी, कोई चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, बस एक बार पासा पलटा और वापस एक पैसे पे आ जाता है। और वैसे भी अपराधी तो अपराधी ही होता है और कोई हस्ती नहीं होती उसकी। एक बार ये पकड़ा गया ना, उसके बाद ना कोई इसकी सुनेगा और ना ही कोई इससे कुछ पूछेगा।
और रही बात हमारी, तो हम लोगों की आवाज बनकर जीना जानते हैं और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।